रिस्क असेसमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है? तो जब आपका ब्लड प्रेशर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि गो टू योर डॉक्टर एंड योर डॉक्टर सेज योर ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 140 एंड 90 और इवन मोर देन दैट देन यू नो दैट योर ब्लड प्रेशर इज टू हाई और देन यू आर एट रिस्क. और इफ आपको जब पता ही नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ब्लड प्रेशर एज टू इफ यू डोंट नो. आपको जब पता नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाके चेक करा लीजिए तो आपको उससे आइडिया और ज्यादा मिलेगा कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाना चाहिए. फिजिकल इनएक्टिविटी ताकि मतलब जब इंसान एक्टिविटी नहीं करता है जब इंसान बैठा मतलब ज्यादा कम एक्टिविटी करता है एंड मैन अ पर्सन इज लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वेयर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउट वॉक चलना फिरना साइकिलिंग ये सब जब नहीं होता है तो ब्लड प्रेशर वापस बढ़ने की संभावना होती है. तो मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड एवरी डे मतलब कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज होनी ही चाहिए. उसके बाद एक्सेस बॉडी वेट जब आपका बॉडी वेट 20 किलो से एक्स्ट्रा है मतलब आपका जब वेट 60 किलो होना चाहिए और समझो आपका वेट ज्यादा है आपके डॉक्टर ने बोला कि आपका वेट 20 केजी ज्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. डायबिटीज इज वन मोर रिस्क फैक्टर विच कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन. So you need to take medicine so that you are able to control your blood sugar level. Hypertension की वजह से stroke हो सकता है. You can get a stroke, which is a medical emergency. जब आपको stroke आया तो जल्द से जल्द doctor को दिखाना और इलाज लेना बहुत जरूरी है. Heart attack को prevent करना बहुत ही मतलब it's relatively easy to prevent a heart attack. तो एकदम तंबाकू बंद करना चाहिए. सिगरेट गुटखा या tobacco whatever it should be absolutely stopped. ज्यादा एक्टिव बनिए चलना फिरना बाहर जाइए थोड़ा चलने की कोशिश कीजिए गार्डन में जाइए तो उससे ब्लड प्रेशर बंद हो सकता है. और न्यूट्रिशन खाने पीने पे ध्यान दीजिए. हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ज्यादा से ज्यादा तेल खाने के जो पदार्थ है वो सारे बंद कर दीजिए और मूंग या फिर ऐसे जो पदार्थ है वो खाइए जिससे ऑयल कम हो जाता है ब्लड में से. फिर देयर आर अनदर थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू इज यू नीड टू अवॉइड टोबैको. टोबैको बंद कीजिए. स्मोकिंग स्ट्रेस ज्यादा टेंशन लेना हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल दीज आर फैक्टर्स विच डिक्रीज द लाइफ स्पैन. फिर एल्कोहल स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर ओबिसिटी इज ऑल्सो अनदर फैक्टर विच मोटापा एक और एक बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है. हेल्दी कुकिंग टिप्स तो खाना बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल खाने में कम होना चाहिए और खाने में फैट्स भी कम होने चाहिए. तो घी या फिर तेल जो है खाने में जो बहुत ज्यादा तेल डाला जाता है भाजी बनाते वक्त तड़का ज्यादा दिया जाता है वो कम देना चाहिए जिससे तेल से फिर ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है. फिर सैचुरेटेड फैट्स जो है मतलब जो बाहर का लाइक मैकडॉनल्ड्स का खाना है वड़ा पाव एक्सेट्रा इट हैज अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स सो इट शुड बी स्टॉप्ड. ईटिंग लेस सॉल्ट एंड मोर पोटेशियम मतलब जो बाहर जो चिप्स मिलते हैं या फ्राइज मिलते हैं दीज आर एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंट कल्प्रिट्स. बाहर का जो वेफर्स आते हैं वो खाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपके डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए. फ्राई करते वक्त फ्राई करने से ज्यादा खाने को बाफने की कोशिश कीजिए उससे ब्लड प्रेशर कम होगा. नमक सॉल्ट इनटेक हैज टू बी रिड्यूस एंड सैलड ड्रेसिंग सैलड ज्यादा खाइए. ऑयल्स जो है वो ऑलिव ऑयल यूज कीजिए. ऑलिव ऑयल से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना कम होती है. तो थिंग्स टू रिमेम्बर टू डिक्रीज योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक यू शुड मेंटेन अ हेल्दी डाइट. खाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए ऑयली जो पदार्थ है वो कम खाइए और कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर को दिखाइए उन्हें. टोकन मनी फॉर द पेशेंट सो दीज आर बेटर वर्स इफ यू हैव दीज एंड दिस बेसिकली लीड टू लेस कोलेस्ट्रॉल. इट बेसिकली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द लाइफ स्पैन thereby यू नो बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे आर लेस दे स्टिक लेस टू योर आर्टरीज दैट्स व्हाई दे आर बेटर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई मीन आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपके डॉक्टर से बात कीजिए उन्हें पूछिए उनसे सलाह लीजिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा. स्ट्रोक का मतलब अटैक का जो साइंस है वो ऐसा है कि जब आपको बहुत ही वीक लग रहा है या देखने में कोई तकलीफ हो रही है चलते चलते अचानक से चक्कर आ रही है या फिर बहुत सिर में दर्द हो रहा है तो ऐसे वक्त में डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत होती है. तो दिस फिनिशेस आवर प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच.
Generally, olive oil is more preferred. But the thing is, this is again extra virgin is better. But then this again has to be confirmed by a doctor because he is the one who will be able to give you more customized advice as to what to exactly take. But generally, extra virgin olive oil is more better than normal guinea tail which you use. You know, so groundnut oil, etc. Virgin olive oil can help you to reduce your fats. There's a feedback form which you have to fill in the feedback. Feedback form. Feedback form.